मऊ जिले में एक बुनकर का बेटा गायिका के क्षेत्र में अपना करियर बना रहा है। सोशल साइटों के माध्यम से वह अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। उसके गानों को बड़ी संख्या में लोग पसंद करने लगे हैं, जिस कारण बुनकर का बेटा धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। देखिए, घर वालों को हमेशा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, क्योंकि उन्हें लगता है हमेशा कि 100% मैं ये कर सकता हूँ, और मुझको ये नेचुरली मिला है। मैंने म्यूज़िक पर्सनली कहीं से सीखी नहीं है, ये सारी चीज़ें नेचुरली, जो भी मैं म्यूज़िक अरेंज करता हूँ, जो भी गाने लिखता हूँ, जो भी मैं प्ले करता हूँ, वो सारी चीज़ें नेचुरल है। तो अब ऐसी जो भी नेचुरल चीज़ होती है, उसको लोगों को प्रतिभा लोगों के सामने आनी चाहिए, और मैं इसमें हिचकिचाता नहीं हूँ। मेरे लिए एडवांटेज है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा ये पैशन है। गाने तो बहुत से हैं ट्रैक में, कम से कम 15-20 गाने ट्रैक में लिखे हुए हैं, बट अभी जो लॉन्चिंग गाने हैं, कम से कम 4 या 5 गाने मेरे यूट्यूब पे लॉन्चिंग है। अभी अपडेट जो मेरा सॉन्ग है, जो कि एक रैप सॉन्ग है, एक हिप हॉप सॉन्ग है, उसका नाम जुनून है, तो आप यूट्यूब पे उसे सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल साकिब इरफान पे। और वो भी चीज़ बेटा बहुत अच्छी है जो आप बता रहे हो दीन जी, वो तो हमारा एक बैकग्राउंड है, वो हमारा कल्चर है, वो हमेशा रहेगा और उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। बट अगर आप उसके अलावा कुछ करना चाहते हो, उसके अलावा अगर आप किसी प्रतिभा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुरा है, आप कर सकते हो, बस उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे और आगे मौका मिलता है तो मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलूँगा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और ताकि जो भी जो बेटर गाने वाले हैं, जिनकी आवाज़ को ज़रूरत है उस बेस की, तो मैं उनको इस तरह की चीज़ें मुहैया करा सकता हूँ। बस यही है कि अपने सिटी टैलेंट को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि उनका शहर भी कला के क्षेत्र में आगे जाए और नौ शहर का नाम हो।